हाँ जी, इलस्ट्रेशन 7 में इन्होंने आपसे पूछा है कि आप क्रेडिट परचेज बता दीजिए। क्रेडिट परचेज, अब कैसे बनाते हैं क्रेडिट परचेज के लिए क्या तरीका है? दो तरीके होते हैं जिससे हम लोग क्रेडिट परचेज मालूम करते हैं। पहला ये होता है कि बेटा अगर मुझे टोटल परचेज गिवन हो, ठीक है जी, उसमें से अगर मैं कैश परचेजेस को माइनस कर दूं तो इससे मेरा क्या आ जाएगा बेटा? क्रेडिट परचेज आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अगर ऐसा हो तो एक तरीका तो ये है कि आप इससे क्रेडिट परचेज निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास, टोटल परचेज ही गिवन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जिसको हमने क्रेडिट पे सेल किया था, क्रेडिटर, उसके कुछ इन्फॉर्मेशन लेके हम क्रेडिट परचेज की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो क्रेडिटर्स का अकाउंट हम लोग बना लेते हैं, यहाँ लिखिए टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, देखिए किसी का भी अकाउंट आप बनाएंगे तो उसमें आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, उससे आपको समझ में आ जाता है कि लेजर में कौन सी चीज़ किधर जा रही है। लेकिन मैं जर्नल एंट्री पे अभी नहीं लेके जाऊंगा, आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी समझ में आ रहा हो उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कि सर ये क्रेडिटर जो होता है ना, वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, और क्रेडिटर उसे कहते हैं जिससे हमने सामान खरीदे होंगे। तो जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज करने की बात होगी तो ये वो किस साइड होगा बेटा? क्रेडिट साइड हमारा लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा, और डिक्रीज लाइबिलिटी किस साइड होती है? डेबिट साइड। तो ये आप याद रखेंगे कि प्लस और माइनस किस साइड होता है। अब क्रेडिटर इंक्रीज होगा या अगर पहले से कोई बैलेंस गिवन है, तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड जाके लिखेंगे इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है जी। क्रेडिटर्स के लिए ओपनिंग बैलेंस अगर गिवन है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब बात करते हैं सर, क्रेडिटर की वैल्यू इंक्रीज कब होगी? जब वो क्रेडिट पे सामान को क्या करेगा? खरीदेगा। क्रेडिटर वो बंदा जिस जिसको हमने सामान बेचा था या खरीदा था, जिसको जिससे हमने सामान खरीदा था। तो अगर हम उससे सामान खरीदेंगे तो क्रेडिटर का क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। अगर मान लीजिए 2 लाख 3 लाख सामान हम खरीद रहे हैं उधार में, तो उसका जो है लाइबिलिटी मेरे ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा इंक्रीज होगा तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। परचेजेस ब्रैकेट में आप क्रेडिट लिख सकते हैं। अब हमने सामान खरीद लिया तो उसका कर्ज हमारे ऊपर बढ़ गया, है ना, हमारे ऊपर कर्ज इंक्रीज हो रहा है, तो बैलेंस बीडी हो गया जी, और परचेज की वजह से इंक्रीज हो रहा है। अब अगर मैं सामान जो मैं खरीद के लाया हूँ वापस कर दूँ तो क्या हो जाएगा बताओ? क्रेडिटर कम हो जाएगा। तो डेबिट साइड में क्या आएगा फिर? परचेज रिटर्न आएगा, ये डेबिट साइड में आएगा। जो मैंने परचेज किया उसके बदले में अगर मैं उसको पेमेंट कर दूं, चाहे वो कैश में पेमेंट करूं या चेक से पेमेंट करूं, कोई पेमेंट कर दूं उसको, तो बताइए क्रेडिटर कम हो जाएगा ना। समझ में आ रही बात? ये चारों पॉइंट क्लियर है आपके, कि आपके ऊपर पहले से कर्ज था क्रेडिटर का, फिर आपने सामान खरीद लिया तो फिर बढ़ गया, और आपने उसका सामान वापस कर दिया तो कम हो गया, और वहीं पे आपने उसको पेमेंट कर दिया कैश में तो कम हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने सामान खरीदा और उसको बिल एक्सेप्ट कर लिया आपने, तो बिल्स पेबल की वजह से भी आपका क्रेडिटर कम हो जाता है। ये क्या किया आपने? बिल पेबल एक्सेप्ट किया बेटा, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। और अगर बिल्स पेबल जो आपने एक्सेप्ट किया था वो डिसऑनर हो जाए, बिल्स पेबल आपका डिसऑनर हो जाए, तो वापस से कर्ज आपके ऊपर बढ़ जाएगा। बताइए जी, इतनी बात समझ में आ गई?
क्लियर है ये बाबू? अगर हम किसी से सामान खरीदते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जिससे आपने खरीदा, ठीक है। जब सामान खरीद लिया, आप उसे पेमेंट कर रहे हैं या बिल उसका एक्सेप्ट करेंगे, तो क्रेडिटर्स टू क्या होगा? बिल्स पेबल होगा। और अगर ये डिसऑनर हो जाए तब क्या होगा? बिल्स पेबल टू क्रेडिटर हो जाए। तो बेटा ये जब परचेज किया आपने, तो क्रेडिटर अकाउंट में किस साइड लिखेंगे आप? क्रेडिट साइड। यहाँ पे बिल एक्सेप्ट किया तो क्रेडिटर अकाउंट में किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। यहाँ पे बिल्स पेबल आपका डिसऑनर हो गया, तो क्रेडिटर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड जाएगा। क्लियर है? जी हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब मान लीजिए कि जिसको हमें पेमेंट करना था उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे ऊपर कर्ज क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव। और उसके बाद अगर हम बैलेंस निकालेंगे तो इस साइड क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका, बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन आ गया जी आपका। बताइए, बात समझ में आ गई? बिल्कुल आएगा। अगर कोई एंट्री आप करके देख लिए, कोई ऐसी बात आ जाए, जैसे आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था कि न्यू बिल बनाने से पहले के इंटरेस्ट को ड्यू करा था हम लोगों ने, तो उस वक्त क्या होता था कि हमने इंटरेस्ट को एक्सपेंस मान के डेबिट किया था और मुझे चुकाने थे, तो हमने क्या किया था? क्रेडिटर को क्रेडिट किया था। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन की अभी ज़रूरत नहीं है हमें, इतने से काम हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक रोक दिया मैंने आपको। बस बिल्स पेबल, डिसऑनर, और जहाँ तक बात थी वो कर दिया हमने, एक्सेप्टेंस और डिसऑनर की। चले आगे, इतनी बात क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में अब आप आ जाइए, यहाँ क्वेश्चन है आपके सामने, क्रेडिट परचेज पता करना है आपको। ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग दे रखा है, इसका मतलब आपको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर्स और ये क्या है आपका? क्लोजिंग क्रेडिटर्स। उसके बाद उन्होंने बताया ये दो इन्फॉर्मेशन के बाद कि पेमेंट मेड इन कैश, अगर हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया है तो पेमेंट कहाँ आता है बेटा? ये रहा, ये वाली वैल्यू भी गिवन है। उसके बाद डिस्काउंट हमें मिला है, और कौन सी वैल्यू गिवन है? ये भी गिवन है। तो आप ध्यान से देखेंगे, एक वैल्यू ये गिवन है, एक ये गिवन है, एक डिस्काउंट गिवन है और एक ये गिवन है। अब दोनों साइड को अगर मैं टोटल करता हूँ और मेरा ये वाला साइड ज़्यादा हो जाए, डिफरेंस इस साइड में आ जाए, तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो परचेज या फिर क्या हो सकता है? डिसऑनर। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू मिसिंग है। तो भाई डिसऑनर तो तभी होगा जब बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया था, इधर तो बिल्स पेबल ही नहीं है, तो क्या है वो फिर? परचेजेस है। तो पहले अगर कोई मिसिंग आइटम है तो उसमें हम क्या मान के चलेंगे? परचेजेस को मान के चलेंगे। चलिए मैं बना देता हूँ, ये नोट कर लिया ना सबने? आई जी 7। क्रेडिटर्स अकाउंट, सबसे पहले बैलेंस जो ओपनिंग गिवन है और एक बैलेंस क्लोजिंग गिवन है। एक ओपनिंग है और दूसरा क्लोजिंग है। ओपनिंग बैलेंसेस है 4 लाख, और बेटा क्लोजिंग बैलेंस में है 5 लाख, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास है पेमेंट, जब पेमेंट करेंगे तो क्या होगा बेटा? दो चीज़ें होंगी, कैश कम होगा, दूसरा साथ में क्या कम होगा? क्रेडिटर भी कम होगा। तो हम अकाउंट किसका बना रहे हैं?
क्रेडिटर का, क्रेडिटर कम होगा तो किस साइड लिख दूं मैं, डेबिट साइड में बेटा यहाँ लिख दूंगा कैश, और यहाँ पे क्या है ये पेमेंट है, कितने का पेमेंट हुआ है सर, 8,50,000 का। बताइए इतनी बात समझ में आई, तीनों चीज़ें आ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इधर, डिस्काउंट रिसीव्ड, जब डिस्काउंट रिसीव होगा तो आपका क्रेडिटर कम हो जाएगा, तो 20,000 का क्रेडिटर आपका कम हो गया। यहाँ लिखा जी हमने डिस्काउंट रिसीव्ड, अब दोनों साइड को अगर मैं टोटल करके चेक करूँ डिफरेंस किधर आ रहा है, तो डेबिट साइड जो है बेटा वो 13,70,000 है, ये वैल्यू है 13,70,000, यहाँ भी लिखूँगा 13,70,000, तो मुझे डिफरेंस तो यहीं दिख रहा है, बैलेंसिंग फिगर तो यहीं आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, 9,70,000। अब सर फॉर्मेट के हिसाब से समझ नहीं आ रहा, जो आपने फॉर्मेट बनाया था उसमें तो ये दो दो चीज़ें आ सकती हैं, कई बार आपके दिमाग में सवाल आ जाए कि सर यहाँ तो परचेज भी है, बिल्स पेबल भी है, तो कौन सा लिखें, तो बेटा बिल्स पेबल तो तभी पॉसिबल है जब बिल्स पेबल एक्सेप्ट हुआ होगा तभी डिसऑनर होगा, तो यहाँ पे इससे बेहतर क्या ऑल्टरनेटिव आपको चुनना है, यहाँ पे परचेजेस, तो ये जो बैलेंस है ये आपका है क्या, परचेजेस, ठीक है जी। और उन्होंने आपसे पूछा था कि क्रेडिट परचेज क्या है, तो ये जो परचेज आया है यही तो है आपका क्रेडिट परचेजेस, कितना है सर ये 9,70,000। बताइए बात समझ में आ गई आपको, नोट कर लिया, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, नोट कर लिया बेटा, कोई सवाल तो नहीं इसमें। आइए जी 7 के बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये है आपका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 8, इत्मीनान से आप इसको देखो और समझो। ए आदम जी कीप्स हिज बुक्स ऑन अ सिंगल एंट्री बेसिस, द एनालिसिस ऑफ कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज गिवन बिलो, कि उन्होंने कुछ बातें मोटी मोटी बता दी हैं कि भाई मेरे पास क्या क्या कहाँ कहाँ से कितने कितने पैसे आए, तो ये कैश बुक एक बना के आपके हाथ में दे दिया, कैश बुक, अच्छा जी उसमें क्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं और समझते हैं इसको। बैंक बैलेंस है 1 अप्रैल का 2,800 रुपये का, रिसीव फ्रॉम संडे डेटर, डेटर से कितना आया है वो बताया, कैश में सेल क्या हुआ, कैपिटल कितना दोबारा लगाया गया, एडिशनल कैपिटल है ये, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, ड्राइंग्स, कैश परचेज, बैलेंस एट बैंक 6,400 एंड कैश इन हैंड 500। तो भाई यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो 31 मार्च में इन्होंने दो बैलेंसेस बताए, बैंक का अलग बता रहे हैं और कैश का भी बैलेंस अलग बता रहे हैं, लेकिन ओपनिंग में बैलेंस जो है बैंक का ही दे रखा है, कैश का बैलेंस नहीं दिया हुआ। दूसरी चीज़, इन्होंने रिसीट एंड पेमेंट बताया, एक तरीके से ये कैश बुक है आपका, कितना पैसा आया और कितना गया, लेकिन दो अलग अलग कॉलम नहीं बनाए, कैश बुक का एक ही कॉलम है इसमें, जो भी पैसा बैंक से आया है या कैश से गया, क्योंकि बैलेंस तो एक साथ ही दे दिया, अलग अलग कॉलम तो है नहीं हमारे सामने, ठीक है जी। सर ये इन्फॉर्मेशन दिए, इसे क्या करना भी देखेंगे, और कुछ इन्फॉर्मेशन दिए कि संडे डेटर का ईयर स्टार्टिंग में क्या था, एंड में क्या है, क्रेडिटर, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, लास्ट में कहते हैं प्रिपेयर दी फाइनल अकाउंट्स, क्या बोला इन्होंने, फाइनल अकाउंट्स बनाइए। सर फाइनल अकाउंट्स का तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनल अकाउंट्स का मतलब है कि हमें एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ में क्या बनाना पड़ेगा सर, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और इन तीनों को बनाने के लिए सही मायने में तो हमें ट्रायल बैलेंस चाहिए होता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस है नहीं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, कुछ बातें हैं वहां से देख लेंगे जो भी बन पाएगा, ठीक है। अब आगे इन्होंने बोला कि जब आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 10%, मशीन पे डेप्रिसिएशन दे दीजिएगा और फर्नीचर पे भी, और 800 अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स,
तो ये आपका, ये वो ट्रांजेक्शन है जिसको इन्होंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। क्लियर है ये बात? अब इससे हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाना है बेटा, बैलेंस शीट बनाना है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, इतनी सारी चीज़ों से चाहिए हमें, तो पहले क्या करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहले हम ना ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये एक। तो सबसे पहले एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ये रहा जी आपका ट्रेडिंग। फिर एक बना लेते हैं छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरे साथ साथ आप फॉर्मेट बनाते चलिएगा। एक आपके लिए हो गया जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। उसके बाद आइए जी, एक बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट को। तो ये बैलेंस शीट हो गई सर, ठीक है जी। ये तीन चीज़ें इन्होंने बनाने के लिए बोली थी, और ये तीन चीज़ें जो हैं, ये डेट भी इन्होंने मेंशन किया है कब का बनाना है हमें बेटा, ये 31 मार्च 2022 का बनाना है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है 31 मार्च का है, बैलेंस शीट भी बेटा आपका कब का है, ये 31 मार्च 2022 का। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए जी, बेटा सिंगल एंट्री है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या बनाएंगे हम, बैलेंस। इन्होंने असल में, हाँ वो बना सकते हैं, लेकिन वो कैपिटल निकालने के लिए बनाएंगे अब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बात बोली गई है आपसे, क्या बोली गई है, तो आप वही बनाएंगे फाइनल अकाउंट में, जब कैपिटल निकालना होगा तब हम वो काम करेंगे। तो ये तो फॉर्मेट हो गया हमारा, समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब आइए जी, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, और चीज़ें और भी हैं जो हमें समझनी है इसमें, तो क्वेश्चन को पहले एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक बैलेंस 1 अप्रैल का, और उसके बाद रिसीव फ्रॉम डेटर है। तो भाई रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कभी क्या ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है क्या? नहीं। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है? नहीं। क्या ये बैलेंस शीट में जाता है? नहीं सर, ये तो डेटर के अकाउंट में जाता है। बैलेंस शीट में तो वो इन्फॉर्मेशन जाती है कि आपका डेटर कितना बच गया, 31 का बन रहा है, तो ये तो PNL में नहीं जा रहा सर। कैश सेल्स तो जाता है, हाँ जी कैश सेल्स जा रहा है हमारा। तो हमने क्या करना है इसके लिए, कि सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ लिखने के लिए आपको इनके अलग अलग छोटे छोटे अकाउंट और अलग से बनाने, कुछ नहीं तो कम से कम सन्ड्री डेटर्स का, जिससे हमें क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर का जिससे हमें क्रेडिट परचेज मिल जाएगा, मशीनरी फर्नीचर को हम डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन तो निकालना ही था उसमें से, तो मशीनरी फर्नीचर को हम अलग से लिख सकते हैं। इन्वेंट्री आपका ओपनिंग और क्लोजिंग ये दे रखा है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट आपके बैलेंस शीट में जाएगी। क्लियर है ये बात? तो आइए जी, और इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग इसको नीचे आ जाते हैं वर्किंग नोट्स में। चलिए बनाइए एक आपके लिए, कौन सा अकाउंट है यहाँ पे, सबसे पहला नाम क्या है, सन्ड्री डेटर। तो छोटा सा एक सन्ड्री डेटर का भी फॉर्मेट तैयार करिए। एक आएगा जी सन्ड्री डेटर्स का अकाउंट, एक और बना लेंगे हम, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट एक हम बना लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये हम डालेंगे भाई
हमारी डेट जो चल रही थी 31 मार्च थी, 1 अप्रैल स्टार्टिंग की वैल्यू का इसमें क्वेश्चन में देखेंगे। हाँ 1 अप्रैल 2021 यहाँ लिख लेंगे, 1 अप्रैल 2021 के लिए ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो गया। अब आप नोटबुक को निकाल लें, देखो नोटबुक आपके बुक है ना आपके पास, क्योंकि मैं इसमें भरूंगा, बार बार चेंज नहीं करूंगा, मैं यहाँ देख लूँगा और आप वहाँ देख लेंगे, ठीक है। एक बार शुरुआत बता देता हूँ बस आपको, बताइए जी सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2021। तो भाई ये जो बैंक बैलेंस है इसका मतलब ये हमारे लिए एक्सपेंस का पार्ट तो नहीं होता, इतना तो पता है आपको, मालूम है ना। तो भाई बैंक बैलेंस क्या है सर हमारे लिए बेटा, एसेट्स है, लेकिन ये कब का एसेट्स है बेटा, तो ये 1 अप्रैल का जो है ये हम लोग कब का बना रहे हैं पता है आपको, ये 31 मार्च 2022 का बना रहे हैं, कब का बना रहे हैं, ये 2022 का 31 मार्च चल रहा है, ये बैलेंस शीट भी तभी का है। लेकिन ये नीचे जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है या बैलेंस शीट इसे आप कह लीजिए, ये कब का है, 1 अप्रैल 2021 का है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन उठाएंगे बैंक बैलेंस 2800 को उठा के यहाँ लिख देंगे सर, बैंक बैलेंस, या सिर्फ आप बैंक भी लिख सकते हैं कोई मसला नहीं। कितना है बैंक सर आपका, बैंक की वैल्यू 2800 की वैल्यू है बेटा, बैंक की वैल्यू कितनी है 2800। बात समझ में आई आपको अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये बेटा ये बैलेंस शीट ही कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ये बना रहे क्यों बना रहे सर, बेटा जो आप ये वाला ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे इसमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगा, ओपनिंग कैपिटल मेंशन नहीं है, तो आपको पुराने पिछले साल के बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, इसलिए हम इसको बना रहे हैं, ठीक है जी। समझ में आ गई बात यहाँ तक, आइए वापस से अगला बताइए क्या लिखा हुआ है, रिसीव फ्रॉम संडे डेटर। देखो जर्नल एंट्री आपको आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो बेसिक समझो, जब संडे डेटर से पैसा आएगा तो कैश बढ़ेगा, और बताओ डेटर्स भी क्या होगा, डेटर्स कम होगा। तो ध्यान से समझना, कैश बढ़ेगा वो तो अकाउंट यहाँ पे बना बनाया आपको दे रखा है, उसमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेटर तो कम होगा ना, तो डेटर कम होगा तो भाई बताओ डेटर का अकाउंट है ना आपके पास, तो डेटर में किस साइड जाएंगे ये भी बता दो, क्रेडिट साइड जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, पहले ट्रांजेक्शन से पहले हम ना ये काम कर लेते हैं, ये जो ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है ना इसे लिख लेते हैं। संडे डेटर का ओपनिंग बताइए कितना है, 14,500। तो बेटा ये काम कर लेते हैं, पहले डेटर का ओपनिंग डेबिट साइड आएगा बेटा, तो यहां लिखते हैं बैलेंस बीडी 14,500, फिर इसी तरीके से डेटर का क्लोजिंग भी लिखेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन, और ये वैल्यू है बेटा 17,600। बताइए इतनी बात समझ में आई आपको। इसी तरीके से हम ना सन्ड्री क्रेडिटर का भी ले लेते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बेटा यहां पे बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है बच्चे। अब इसका ओपनिंग क्लोजिंग बताओ ना मेरे को कितना है, 5700 और 5800 और 7900, हाँ जी 58 और 7900, ये दो बातें लिख ली आपने। अब ये मशीन का ओपनिंग बैलेंस है बताओ कहाँ लिखेंगे आप, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा ना, प्रीवियस ईयर, तो भाई प्रीवियस ईयर का ये रहा वैल्यू, क्लियर है ये। अच्छा इसके साथ साथ आपको ये भी समझना है, ये डेटर बताओ ये कहाँ जाएगा बेटा, डेटर के अकाउंट में तो जाएगा ही, लेकिन क्या ये एसेट्स नहीं है, क्या ये लाइबिलिटी नहीं है। मशीनरी क्या है आपके लिए, एसेट्स, फर्नीचर क्या है एसेट्स, इन्वेंट्री क्या है एसेट्स, इन्वेस्टमेंट क्या है एसेट्स, तो ये बैलेंस शीट में भी तो जाएगा एसेट्स और लाइबिलिटी में। तो आप देखते रहना, पहले अभी देख लो, संडे डेटर को हमने ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया, संडे क्रेडिटर का लिख दिया, अब बातें बैलेंस शीट की बारी, तो संडे एसेट्स को जाके हम ओपनिंग की बैलेंस शीट में लिख लें,
संडे डेटर, बताओ बेटा लिख सकते हैं? कितना लिख दूं? 14 14 500, सही है ये? क्लियर सर? एक बात बताइए, ये जो 17,600 का डेटर है कौन सी डेट का है, कौन सी बैलेंस शीट में आएगा, 2022 में या 21 में, किस में आएगा? तो ये कहाँ है, ये रहा, आगे बात समझ में? तो यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे संडे डेटर, एक लाइन मैंने छोड़ दिया कैश और बैंक के लिए, संडे डेटर कितना? 17,600। बस वैल्यू को उठा उठा के लिखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। क्लियर हो गई सर इतनी बात? आगे बढ़ जाएं। अब बताइए सन्ड्री क्रेडिटर की बारी है, ओपनिंग क्लोजिंग तो लिख लिया लेकिन बैलेंस शीट में भी जाएगा बेटा ये सन्ड्री क्रेडिटर। तो एक तो सन्ड्री क्रेडिटर आपका यहां आएगा लाइबिलिटी साइड आएगा, कितना बेटा? 5,800। एक सन्ड्री क्रेडिटर आपका यहां पे भी जाएगा, सात हजार नौ सौ। क्लियर है बेटा ये? बताइए इन दोनों को हमने लिख लिया, अब आइए मशीन की बारी। तो मशीन का अकाउंट नहीं बना रहे हम, डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो मशीन का बताइए ओपनिंग कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग वाले में। तो आइए जी यहां पे आ जाएं, मशीन लिख दूं इसमें, बताइए बेटा मशीन की वैल्यू, बताओ देख के बताओ ना, 7,500। बेटा ओपनिंग में डेप्रिसिएशन नहीं लगता ना, क्लोजिंग में लगेगा, ठीक है? अब मशीन की जो क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 7,500। यहां पे है मशीन, तो अभी यहां पे 7,500 लिख रहा हूं, इसमें से मुझे क्या माइनस करना होगा, तो इसको बाद में कर लें या अभी चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, कोई नहीं। कितना डेप्रिसिएशन है बेटा, 10% का, 750। तो इसकी क्या वैल्यू बचेगी, 6,750, ठीक है ये? और बताइए आगे क्या है, फर्नीचर। तो भाई फर्नीचर का ओपनिंग लिख लेता हूं पहले मैं, बताइए फर्नीचर कितना, देखना पड़ेगा, फर्नीचर का ओपनिंग 1200 है, अब बताइए बेटा दूसरा फर्नीचर कितने का है, ये भी 1200 का है, लेकिन ये यहां आएगा 1,080 ना, आ रही बात समझ में? एक मिनट, अब जब ये लिख ही लिया है तो ये डेप्रिसिएशन बताओ यहां पे कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है ना, तो यहां भी लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और एक है बेटा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो ये एक वैल्यू 750, एक 120, ठीक है सर? आगे बढ़े अब, तो भाई हमने जो जो लिख लिया, संडी डेटर का लिख लिया और संडी क्रेडिटर। अच्छा संडी डेटर में एक चीज और एडजस्टमेंट भी था बाबू, क्या था ये, 800 अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स। तो ये हमारा रह गया है
संडे डेटर हमने जो लिखा उसमें डेटर की वैल्यू माइनस नहीं करी थी। कितना था संडे डेटर बेटा? 17,600। उसमें से लेस कर देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना? 800। सोलह हजार आठ। बेटा ये प्रोविजन भी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800 का। अब बताइए सर, समझ में आई बात यहां तक? ठीक है जी, चल वापस। ये भी हो चुका और ये भी हो चुका, चार चीजें हो गई हमारी। इन्वेंट्री बताओ बैलेंस शीट में जाएगा, प्रीवियस में, और इसमें भी जाएगा, है ना? तो 39 और 57। इन्वेंट्री एक तो यहां आएगा आपका एसेट्स में, ये इन्वेंट्री कितना है? 5700। यहां पे लिख लेंगे भाई 5700, और एक इन्वेंट्री आपके इसमें भी आएगा बाबू। कितना आएगा ये? कितना है? 3900। तो बेटा ये 3900 लिखा। अब बताओ इन्वेंट्री क्या ट्रेडिंग में जाता है कि नहीं जाता? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जाता है, तो वहां ट्रेडिंग में भी जाएगा, ये जाएगा ना? तो आइए सर साथ साथ में यहां पे भी लिखते चलते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक और बाई क्लोजिंग स्टॉक पे, तो ओपनिंग और क्लोजिंग भी यहां लिख लेते हैं सर। बताइए वैल्यू कितनी कितनी लिखेंगे आप? 3900, सॉरी 5700। सही है ये? क्लियर यहां तक? पीएनएल में तो नहीं आता ये, ठीक। और आइए भाई, इन्वेंट्री हो गया, इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा बेटा? बैलेंस शीट में ही जाएगा, दोनों का पांच पांच है, तो इन्वेस्टमेंट को आइए, एक इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे आएगा 5000, और एक इन्वेस्टमेंट आपका यहां आएगा 5000। बस समझ में आ गई यहां तक आपको? और बैलेंस शीट्स के अलावा इन्वेस्टमेंट कहीं और नहीं जाता। हाँ, उससे होने वाली इनकम जो है बेटा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। क्लियर है यहां तक? अभी आपको खिचड़ी जैसा लगेगा, कभी यहां कभी वहां, लेकिन अगर आपको थोड़ा पता है, आप लाइन पढ़ के देखोगे, आपके जवाब खुद ही आ जाएंगे। अभी लग रहा है ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये लाइन पढ़ेंगे ना, आपको खुद समझ में आएगा कि मुझे कहाँ लिखना है। वापस से आइए यहाँ। अब ये हमने इन्फॉर्मेशन लिख लिया, एडजस्टमेंट्स हो गया, अब वापस से आते हैं। बैंक बैलेंस 1 अप्रैल 2021 में 2800 का बैंक बैलेंस। तो भाई आपका ये स्टेटमेंट में आ गया 2800 का, ये हम लिख चुके सर। रिसीव फ्रॉम डेटर्स बताइए कहाँ जाएगा बेटा? डेटर्स अकाउंट में कौन सी साइड जाएगा? रिसीव फ्रॉम डेटर बताओ कौन सी साइड? भाई डेटर में इंक्रीज इस साइड होता है और डिक्रीज इस साइड होता है। क्रेडिट साइड लिख दूँ? यहाँ पे कैश, कैश रिसीव्ड कितना हुआ है बेटा? 4800 का रिसीव हुआ है। क्लियर है ये? 48,000, ठीक है। और आगे बढ़े, कैश सेल्स, ये ना डेटर अकाउंट में आता है, ना क्रेडिटर में आता है, ना बैलेंस शीट में आता है, ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स में। बात समझ में आ रही है? तो आप सेल्स का भी अकाउंट अलग से बना सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं बना रहे उसको। तो हम आते हैं सीधा ट्रेडिंग में, देखना सही से। यहां पे जा रहे हैं, यहां लिख रहे हैं सेल्स, और उसके नीचे लिख दे रहा हूं कैश सेल्स। कैश का अलग लिख दूंगा और क्रेडिट अलग लिख देंगे, दोनों को ऐड करेंगे और यहां वैल्यू लिख देंगे सेल्स में, ठीक है?
अलग दे रखा है इसलिए लिख रहे हैं हम लोग। कैश सेल्स हमें गिवेन है बेटा कितना, तो बाबू यहाँ पे 11,000 लिख दे रहा हूँ मैं अभी, बताइए बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है ना। और आगे आते हैं सर, सर कैपिटल जो नया पार्ट ओ सॉरी ऑनर जो लेकर आ रहा है कितना आ रहा है, 6,000 का कैपिटल लेकर आ रहा है, ये कहाँ जाएगा बेटा? कैपिटल जो है आपका एडिशनल कैपिटल बैलेंस शीट में आएगा। अच्छा ये कैपिटल अभी आया है इस दौरान 2022 में आया है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में नहीं, इस साल में। तो जो भी आपका कैपिटल रहेगा ओपनिंग, ध्यान से देखिएगा इधर, पहले यहाँ ओपनिंग कैपिटल आएगा, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे बेटा, एडिशनल कैपिटल ऐड कर देंगे। कोई नेट प्रॉफिट होगा वो हम प्लस कर देंगे, और ड्राइंग होगा तो क्या करेंगे, यही करते थे। तो अभी जो मिला है सिर्फ उसको लिख लेते हैं, एडिशनल कैपिटल हमें मिल चुका है। एडिशनल कैपिटल की वैल्यू कितनी है, 6,000। आइए जी इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं, है 6,000। बताइए सर इतनी बात समझ में आ रही है? ये 11th की चीज है, थोड़ा बहुत अगर भूल गए 11th तो तब तो दिक्कत आ रही होगी। आइए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या बेटा, इनकम है। कौन से अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी साइड जाता है बेटा, तो क्रेडिट साइड आके लिख लीजिए जी आप, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बाबू, 200 का इंटरेस्ट आ गया जी। बताइए बात समझ में आ रही है इतनी, कोई डाउट यहां तक? इस साइड की सारी चीजें लिख चुके। पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर कौन से अकाउंट में जाएगा बेटा, क्रेडिटर में चलते हैं जी, ये रहा पेमेंट कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिख लेंगे कैश, ठीक है जी। कैश कितना पेमेंट हो रहा है, 35,000 कैश पेमेंट, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इसको भी। ये वैल्यू कितनी है सर, 35,000 का सन्ड्री क्रेडिटर हमारा कम हो गया, क्योंकि सर प्लस तो इस साइड होता है, क्रेडिटर कम इस साइड हो रहा होता है। आगे बढ़े, सैलरीज बताइए कहाँ जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दीजिए सर, यहाँ पे आइए लिखिए सैलरीज, और सैलरी की वैल्यू है 6,500, सैलरी की वैल्यू कितनी है, 6,500, ठीक है सर। उसके बाद आइए जनरल एक्सपेंस, ये कहाँ जाता है बेटा, आइए जी इसको भी लिख लेते हैं, जनरल एक्सपेंस को भी, जनरल एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और उसकी वैल्यू है 2,500 की। बताइए बात क्लियर है ये? उसके बाद बताइए रेंट और टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दीजिए इसको भी सर, रेंट एंड टैक्सेस कितनी वैल्यू थी बेटा, 1,500 की। बताइए जी समझ में आ गई बात यहाँ तक, लिख चुके। अब आइए ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट में जा, कैपिटल से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ लिख देंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होता है बेटा, ऑनर ने पैसे निकाले, बिजनेस का खर्चा नहीं है ये। तो ड्राइंग्स कितना हुआ बेटा, 3,600 का, ठीक है सर, ये भी हो गया जी। कैश परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं, परचेजेस लिखेंगे पहले, यहां लिखेंगे परचेजेस, और उसमें यहाँ नीचे लिख दूंगा कैश परचेज, और कैश परचेज की वैल्यू है 12,000। हाँ जी,
कैश परचेजेस कितना है बेटा? 12,000। बताइए सर, समझ में आ रही बात? और आगे बढ़ते हैं। कैश परचेज हो गया सर, उसके बाद बैलेंस एट बैंक ऑन 31 मार्च 6400। ये 31 मार्च का बैंक का बैलेंस है, तो 31 मार्च वाली जो बैलेंस शीट है उसी में जाएगा बेटा ये। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे बैंक का बैलेंस लिख लीजिए जी। बैंक, बैंक की वैल्यू है 6400, ये लिख दीजिए आप। बताइए समझ में आया इतना? उसके बाद बताइए कैश इन हैंड भी है कितने का है सर? तो यहाँ पे लिख लीजिए सर कैश। आपने दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन ने तो डेट के साथ मेंशन किया, बस आपको ये समझना ये डेट वाली चीज़ है कहाँ, वहीं जाके लिख देनी है आपने। बोलिए जी, इतनी बात समझ में आ गई आपको? कुछ छूट गया क्या हमसे? सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हमारा काम यह है कि इन सारे अकाउंट का बैलेंस निकाला जाए, लेकिन जब ट्रेडिंग का आप निकालने जाएंगे तो वहां पे दो चीजें मिसिंग हैं। एक तो परचेज की टोटल वैल्यू नहीं गिवन है अभी तक, हो सकता है कि यहाँ पे क्रेडिट परचेज भी हो सकता है क्रेडिट परचेज भी हो और वो मिसिंग है, और इधर हो सकता है कि क्रेडिट सेल भी हो। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे बेटा, तो इस अकाउंट को तो क्लोज नहीं कर सकते। और जब ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं आया तो प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं होगा, इसको भी हम क्लोज नहीं कर सकते। अभी बैलेंस शीट पे चलेंगे, बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए हमें चाहिए होगा ओपनिंग का कैपिटल, तो बेटा ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर मिसिंग है, इसको भी आप क्लोज नहीं कर सकते। फिर किस पे आते हैं हम लोग? संडे डेटर। संडे डेटर की जो इन्फॉर्मेशन थी सब लिख चुके, तो इसी को पहले क्लोज कर देते हैं। 48,000 और 17,600 को आप प्लस कर लीजिए, डिफरेंस इस साइड आ रहा है बेटा। बताइए सर प्लस करके इसके वैल्यू क्या आ रही है? 48,000 और 17,000, 8, 7, 15, 5, 65,600 आ रहा है सर। तो डिफरेंस तो संडे डेटर में ही आया ना सर? बताइए, जो डिफरेंस डेटर में आता है, डेटर की डेबिट साइड आ रहा है, प्लस वाली साइड, तो बताओ किस वजह से डेटर बढ़ता है बेटा? परचेज या सेल? हाँ, डेटर में सेल, कौन सा सेल? क्रेडिट सेल्स की वजह से डेटर्स बढ़ जाता है, तो आपका क्रेडिट सेल आ जाएगा डिफरेंस में। करिए माइनस और बताइए कितना आया क्रेडिट से? कितना बेटा? 51,100। ओके, 51,100। और ये जो सेल आपको मिल गया, इसको हम बताओ यहाँ लिख सकते हैं? आप यहाँ पे बैलेंस लिख देना, कल को आप चेक करते रहो तो समझ में नहीं आएगा कहाँ से वैल्यू आई थी। ये बैलेंस निकाला है, 51,100 को ट्रेडिंग में चलते हैं, क्रेडिट सेल में लिख देते हैं सर 51,100। तो भाई इसका टोटल बता दो अब कितना हो गया? अरे नहीं, 62 ना, 62,100 सही है ये? बधाई जी, समझ में आया ये 62,100 हो गया। चलें आगे बढ़े, चलो जी और आगे चलते हैं। तो हमने कौन से अकाउंट को कंप्लीट कर लिया? डेटर। अब आते हैं किसको कंप्लीट करेंगे बेटा? संडे क्रेडिटर। तो 35 में 7 जोड़ देंगे, 42,900 आ रहा है सर ये। तो कितना हो रहा है ये? 42,900। और इधर भी लिखूंगा मैं 42,900, डिफरेंस आएगा सर ये क्रेडिटर में, डिफरेंस आएगा। और ये डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट परचेजेस। 42,900 में से 5,000 को माइनस करें और 5,800 को माइनस कीजिए। बताइए सर कितना आया? 37,000। ये क्रेडिट परचेज है तो इसको भी लिख लेते हैं चल के, कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में 37,100 टोटल कर लेंगे सर, 4,910,000 यही आ रहा
चलें आगे। ओ जी, ये भी हो गया, क्रेडिटर भी हो गया। अब आइए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को क्लोज करते हैं सर। इसका टोटल ले लेते हैं। इसका टोटल करेंगे और यहाँ पे डिफरेंस आएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे इसे। इसका टोटल कर लीजिए। करो भाई टोटल बताओ। थर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड। और इसका बैलेंस भी बता दो, 29,100। ये ओपनिंग कैपिटल हो गया जी। अब बताइए ओपनिंग कैपिटल कहाँ जाएगा? ये वाला जो बैलेंस शीट है इसमें लिख देंगे 29,100। अब इसमें एक चीज़ रह गया, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो आइए इसको भी क्लोज करने से पहले पहले तो हम आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे ना। निकालो जी इसमें आंसर क्या आएगा। मेरे हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है मुझे। टोटल बताओ, 67,800, 67,800। फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड का ग्रॉस प्रॉफिट। अब बेटा ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? यहाँ आएगा ना, लिख लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। ये आया जी 14,800। ठीक है सर। अब ये इस साइड का भी टोटल कर लेंगे आप और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा किस चीज़ का, नेट प्रॉफिट का आ जाएगा जी। नेट प्रॉफिट डायरेक्ट बताना, टोटल आप कर लेना, मेरे पास स्पेस कम है। ये लो मैं भी कर ही दूंगा। टोटल बताओ कितना है बेटा? बाबू टोटल 15,000। अब माइनस करो 28,230। अब इसको इसमें प्लस कर देंगे 28,300 को। प्लस करो भाई, 42। अच्छा, बैलेंस शीट का टोटल बता रहे हो आप? बताओ बैलेंस शीट का टोटल 42,230। तो ये इधर आ गया जी 42,230। चलो जी अब आओ कैपिटल का टोटल बताओ पहले तो। 34,300। चेक कर लो दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। नहीं, जरूरी नहीं है, बताइए नेट प्रॉफिट कुछ और आ रहा है आपका? एक बार सही से फिर से करो कैलकुलेटर। कोई बात नहीं बेटा, एक बार और कर लो, क्या हो गया, दो बार कर लोगे? ये लो जी मज़ेदार क्वेश्चन है। 9, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी।